हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय फ्यू रिएक्शंस। कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। और मैं रिएक्शन करने वाली हूँ इंडिया के दो मोस्ट फेवरेट लोगों पर, जो सबके फेवरेट हैं, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा पर। सो देखते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा का ये नेक्स्ट पार्ट है, और लेटेस्ट कुछ चीज़ें हैं, कुछ मूवमेंट्स हैं आफ्टर वर्ल्ड कप का फाइनल। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, इंस्टा पर जाकर फॉलो जरूर कर लेना, और लिंक वगैरह आप मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं उन वीडियोज़ के जो आप चाहते हैं कि मैं उन पर रिएक्शन करूँ। एंड जल्दी से वीडियो को प्ले करते हैं, अटक करते हैं। एंड मैं ये नहीं कहूँगी अपना फेवरेट बताया, क्योंकि आई नो दे बॉथ और एवरी वन फेवरेट, और इवन मुझे भी दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। तो जल्दी से वीडियो को प्ले करते हैं एंड लेट्स प्ले द वीडियो। आप 10-10 गेम जीत के आए हो, सराहिए भाई, ओ प्राइम अच्छा काम मिनिस्टर! बंदूक है सबको होता है का अच्छा, बाबू आई थिंक ये मैच के बाद है यार, मतलब इतना उनको तसल्ली दे रहे हैं, वेरी नाइस टू सी। द कपल, मतलब कपल बना दिया गया है इनको। हम जीत नहीं पाए इस बात का दुख तो बहुत है, लेकिन हार जीत चलती रहती है। मुझे मेन डर है इस बात का है कि अगले वर्ल्ड कप में हमें हमारे सबसे दो बेहतरीन खिलाड़ी हाँ, खेलते ये हुए मैंने दिखेंगे बड़ी जगह देखा है। आई होप प्लीज खेलें। यार इतने जल्दी संन्यास मत लेना, अगला वर्ल्ड कप भी सन्यास? खेलना। सन्यास क्या होता है जरा मुझे जरूर बता। You are the person who gave them nightmares. You are the one who made them switch teams. You made them cry to their sleep. You are the one person they know they shouldn't mess with, because in the end, you always come on top. At last, here we are. Never was a hero, always a villain. Logic. What I get in return, even after trying my best. ऑफ कोर्स एवरीवन वाज ट्राइंग देयर बेस्ट। इतना इम्पोर्टेंट मैच कोई जानबूझ के तो नहीं हार सकता, जाहिर है सब अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, बट यू नो देन किस्मत। सर अगर आपकी दुनिया में हजारों फैन है तो मैं उनमें से एक, अगर दुनिया में आपका एक फैन है तो मैं ही, अगर दुनिया में आपका कोई फैन नहीं है तो समझे मैं फंस गया। और रोहित शर्मा फैन जरा कमेंट कीजिए रोहित शर्मा के नाम का, और विराट कोहली वाले विराट कोहली का कमेंट कर रहे हैं, देखते हैं किसके ज्यादा फैंस हैं। अच्छा मैच के ड्यूरिंग मैच वीडियो कॉल चल रही है यार, वाओ। अब स्टैंडर्ड जो है ना हाई कर रहे हैं यार ये दोनों सबके। मान लो तब 2-3 साल में रिटायर हो जाएंगे इनर मी। ओ दिस इज क्यूट। अच्छा विराट और अनुष्का जो है ना वो सब सब लड़कियों के और लड़कों के स्टैंडर्ड्स हाई कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए लाइफ पार्टनर। वाओ ये एक्साइटमेंट, दोनों के सेम एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। ओके ये रोहित शर्मा है एंड आई थिंक कृतिका है। ओके रोहित शर्मा आई थिंक कृतिका को ढूंढ रहे हैं वहां से, ये किधर है? यार ये भी बहुत क्यूट हो गया यार, इन द वर्ल्ड फुल ऑफ दिस। सो इवन आई लाइक दिस कपल दीपिका एंड रणवीर। क्रिकेटर्स, सब क्रिकेटर्स के जो कपल्स है ना बड़े मजे के हैं यार, इंडियन क्रिकेटर्स के स्पेशली, क्योंकि मैं उनको देख रही हूँ तो मुझे उनका थोड़ा ज्यादा पता चल रहा है। विराट वेंट स्ट्रेट टू अनुष्का आफ्टर लूजिंग एंड गेव हर अ ह्यूज अ टाइट हग। द वे ही इज गोइंग टुवर्ड्स हर वेरी क्यूट। सबको यही सपोर्ट चाहिए थी उस टाइम पे अपने पार्टनर्स से। खेल के जीतना, वर्ल्ड कप जीतना ये मेरा ड्रीम पढ़ाई था यार, मेरे लिए तो सबसे बड़ा चीज ड्रीम था, बट आई होप नेक्स्ट वर्ल्ड कप खेला जाए इन दोनों की तरफ से भी। एंड
then let's make it possible, why not? कैप्टनसी करने के बाद रोहित शर्मा सबसे सक्सेसफुल कैप्टन है, इसलिए अगली बार मत पूछना कि रोहित शर्मा क्या है, वरना रोहित खुद तुमसे कहेंगे मुझे बोल रहा है कि मैं क्या हूँ। वाकई रोहित शर्मा भी लाइक तुम लोग क्या रोज आ जाते हो, इसने तो अपन की धड़कन तेज कर दी। ओहो वाकई यार दिल धक 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 ही से हंसता हूँ कि तेरी विराट कोहली से बहुत ज्यादा जलती है और इस बात को तो हरगिज नहीं मानेगा, लेकिन तू मान या मत मान इस बार का वर्ल्ड कप तो वो जीरो ट्रॉफी वाला ही जिताएगा। आई होप अब नेक्स्ट कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। रोहित शर्मा एंड हिज डॉटर, अब तो बड़ी हो गई है ना थोड़ी, ये वेरी क्यूट यार। अभी कुछ साल में विराट कोहली की भी बेटी थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, अभी तक उन्होंने फोटो नहीं दिखाई बस। वन पॉइंट फोर बिलियन हार्ट्स डिपेंडिंग ऑन हिम। ओह विकी कौशल विराट कोहली पे तो हर मैच में नजरें होती है ना कि विराट कोहली क्या करने वाले हैं। इस तो वाइब आई लव अनुष्का रिएक्शन ब्रोकन हार्ट 2019 हाँ 2019 में भी नहीं हो पाया, फाइनल सेमी फाइनल तक पहुंचे थे और अब 2023 में तो फाइनल्स में ये हो गया है। सचिन तेंदुलकर वॉज अ ग्रेट ओडीआई बैट्समैन एवर। ओके मैंने सचिन तेंदुलकर को देखा नहीं है, कभी मैं रिएक्शन करूंगी उनपे। सरपासिंग ईच एंड एवरी रिकॉर्ड ऑफ सचिन। एग्जैक्टली यार विराट कोहली ने रिकॉर्ड तोड़े हैं आफ्टर वर्ल्ड कप। ओहो सब जा रहे वापस, सैड मतलब सैडली बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम यार नेक्स्ट टाइम। अगर यही यहाँ पे इंडिया जीत जाती तो कितनी खुशी से कितनी सेलिब्रेशन होने वाली थी। ये तो शाहरुख खान का बेटा है ना आर्यन, आर्यन अच्छा सब मैच देखने गए थे। सचिन तेंदुलकर आई थिंक एयरपोर्ट के बाहर ही सब जो है ना कैमरा लेके खड़े हुए थे। Row without beard is good, but row with beard. अच्छा मुझे लगता है beard जो है ना वो सबको suit करते हैं। Beard में लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं लड़के, मुझे ऐसा लगता है stylish सी beard हो तो। Biggest moment off field till date. Off field. 2010. Katrina Kaif just spoke to me like for 2 minutes. Katrina Kaif तो आप story लगा रही है विराट कोहली की यार, अब तो विराट कोहली Katrina Kaif से ज़्यादा मशहूर हो गया। No matter team India won. Or not, but it's always best. Yes, it is. Acha, matlab this is good. Log matlab phir bhi support hi kar rahe hain. Obviously, acha laga video dekhkar dono kafi. Acha, jo starting mein sabse pehle wali video aayi thi Prime Minister wali, wo bahut matlab unexpected thi. Mujhe nahi pata tha ki Prime Minister bhi gaye hain ड्रेसिंग रूम में और उनको तसल्ली दी है कि कोई बात नहीं होता है, तो अच्छा था देख के अच्छा लगा। और इसके अलावा जो लोग कह रहे हैं कि रोहित और विराट का लास्ट वर्ल्ड कप था, पता नहीं लास्ट था या अभी, आई डोंट थिंक सो कि वो रिटायरमेंट यार अभी तो काफ़ी ज़्यादा उनका टाइम पड़ा हुआ है, बट लेट्स सी। आई होप कि अभी रिटायरमेंट नहीं लेने वाले, बट देखते हैं नेक्स्ट वर्ल्ड कप में क्या होता है। अभी 4 साल तो बहुत, मतलब 4 साल में ज़िंदगी बहुत चेंज हो जाती है यार। आप लोग सोचो 4 साल में आप कहाँ से कहाँ होंगे, कुछ लोगों की शादी हो जाएगी, कुछ लोगों के स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, कुछ लोग कॉलेज में चले जाएंगे, सो 4 साल बहुत होते हैं बहुत। तो देखते हैं 4 साल, अभी 4 सालों से पहले बहुत से मैचेस अभी और आने वाले हैं। अभी IPL आने वाला है 2024 में, सो उस पर देखते हैं कि कौन जीतता है। इस दफ़ा तो
मतलब यू नो हर दफा ही होता है आरसीबी अच्छा खेलने की पूरी कोशिश करती है बट पता नहीं किस्मत जैसे उनका तब साथ ही देती, इस दफा वर्ल्ड कप में भी वही हो गया है। इसके अलावा लेट्स सी के आगे कौन से मैचेस, कौन सी सीरीज या जो भी स्टार्ट हो रहा है क्रिकेट से तो हम देखेंगे क्योंकि मुझे हो गया क्रिकेट में इंटरेस्ट वो भी इंडियन क्रिकेटर्स की वजह से। और मैंने अब ऑलमोस्ट सबको देख लिया बट सचिन तेंदुलकर और कुछ ऐसे कुछ हैं अभी क्रिकेटर जिनको मैं देखा नहीं है, तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगा सचिन तेंदुलकर को क्योंकि वो सबसे बेस्ट क्रिकेटर थे वर्ल्ड के और उनके रिकॉर्ड विराट कोहली ने तोड़ दिए हैं। तो लेट्स सी सचिन तेंदुलकर पर जल्दी रिएक्शन आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करना, मजीद सजेस्ट कीजिए जिस पर रिएक्शन करूँ। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।